अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये हमारे पास एक नोकिया का 150 सेट है, इसमें चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है। ये हम इसकी चार्जिंग जैक चेंज करेंगे और आपसे गुजारिश है कि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। सबसे पहले हम इस मोबाइल को खोल लेंगे और खोलने के लिए हमारे पास इसके लिए टूल जो होगा वो T5 होगा। T5 से ये नोकिया के जितने भी मोबाइल हैं तकरीबन वो T5 से ही खुलते हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान से ख्याल रखना है, हमारा जहाँ नीचे जैक लगा हुआ है चार्जिंग वाला, हम हॉट गन से इसको हीट देंगे तो फिर ये जो है एलसीडी के ऊपर इसकी हीट थोड़ी सी भी आ गई तो हमारी एलसीडी ख़राब हो जाएगी। तो आपने करना ऐसा है कि बिल्कुल कोई बारीक सा कोई पेपर वगैरह ले के, जिस तरह से ये हो गया जैसे एक्सरा हो गया, वो ले के आपने इसके बीच में मार देना है। ख्याल से थोड़ा रिबिन भी होती है एलसीडी की, तो मार देनी है आपने और एलसीडी को फोल्ड करके किसी चीज़ से, रबड़ बैंड से, किसी न किसी चीज़ से आप जो है ना उसको रोक सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हम इसको चार्जिंग जैक को हॉट गन की मदद से निकालेंगे। उससे पहले हमने कोई बोर्ड के ऊपर कोई भारी सी चीज़ रख देनी है जिससे बोर्ड उठे ना ऊपर की तरफ। ये हम ट्यूज़र की मदद से जो है इस जैक को ऊपर उठा लेना है। ये देख सकते हैं चार्जिंग जैक हमारा निकल चुका है और अब हमने बोर्ड को अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर देनी है और बिल्कुल क्लीन कर देना है इसको, ताकि हमारा जैक नया जो जैक होगा वो अच्छी तरीके से इसके अंदर आके फिक्स हो जाए। इसको जितना हो सके जो है ना सोल्डिंग वगैरह पेस्ट वगैरह यूज़ करके, जैसे ये ब्रोज़ा यूज़ कर रहा हूँ, ब्रोज़े वगैरह से जो है ना इसको बिल्कुल क्लीन कर देना है, ताकि कोई निशान वगैरह जो है कार्बन वगैरह ना हो इसके अंदर। ये एक सोल्डिंग रिमूवर वायर है, वायर इससे बिल्कुल जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग वगैरह हो जाती है उसको जो है ना इससे रिमूव कर सकते हैं। ये काम आती है बिल्कुल, ताकि हमारा चेक जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट फिक्स हो के बैठे। ये जैक है हमारे पास T2, नोकिया में लगता है ये T2 का जैक है। तो अब हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसको भी पॉइंट वगैरह इसके ही बना लेते हैं, सोल्डरिंग कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि जो है ना ये आराम से लगने के काबिल हो जाए। ये इसके पॉइंट है, इसको भी अभी हम सोल्ड कर लेते हैं। Thank you.
आपको पता है मोहब्बत किस चीज का नाम है? अगर तुमसे कोई कहते इश्क एक लफ्ज में बयां कर दो तो तुम भी मौत लिख के कलम तोड़ देना। जी कभी हमारा लग चुका है बिल्कुल, अब हमने जो है इसको सोल्डरिंग कर देनी है और बिल्कुल इजी है ये। अगर दो तीन मरता पता ये वीडियो अच्छी तरीके से देख ले तो उसके लिए जो ना बेहतरीन काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। तो ये मैं समझ पाऊँ जितना चार्जिंग जेक कोई भी मोबाइल तो कीपैड हो टच हो चार्जिंग जेक लगाने का तो इशू ही नहीं, बिल्कुल आराम से लग जाता है बिल्कुल आराम से। पर ये है कि थोड़ा ख्याल करना पड़ता है खोलते वक्त कोई चीज़ डेमी ना हो, काम करते वक्त कोई चीज़ डेमी ना हो, कहीं और सोल्डिंग वगैरह ना चले जाए, बस इस चीज़ का ख्याल करना होता है। बाकी उसके अलावा तो चार्जिंग चेक लगाना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही ठीक है। जेक बिल्कुल फिक्स होकर लग चुका है, इसके पॉइंट वगैरह भी हमने बना लिए हैं, इसको भी लास्ट के अंदर पेट्रोल से वॉश कर देंगे तो फिर बस इसको पिक करके चाहिए जेक इसका चेक करेंगे जो चाहिए इन शाला करने लग जाए।